अपना गीत में कि इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। अभी कहाँ चले, ठिकाने का भी तो मालूम होना चाहिए ना कि और कहाँ चलने का है। ये तो हो गई पाप की दुनिया, इस दुनिया को ही कहेंगे पाप की दुनिया। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, है? जिसमें अभी है इसको कहा जाएगा पाप की दुनिया। पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कहा जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना। हा? देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई, वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कहीं ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है, तो विश्व हो गई नहीं सारी, तो उसको ही तो कहेंगे नहीं पाप की दुनिया। तो अभी कहते हैं पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। अभी किधर चले हा? और ठिकाने का भी तो मालूम होना चाहिए कि और कौन सा ठिकाना है जहाँ सुख और शांति है। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं, सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे वो समझने की बात है कि वो कैसे बने। बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ, जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। ऐसे नहीं ये सदाई कोई दुनिया दुख शांति की है, दुख शांति भी इस दुनिया में आई है। अभी फिर आई चीज को फिर लौटाओ, हा? अभी उसको कैसे लौटाओ, फिर सुख शांति को लाओ, उसका बैठक करके उपाय समझाते हैं कि ये हुआ है तुम्हारे पाप कर्म से। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है, और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा, और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है, तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे, और जब तक वो हमारे पाप कर्म बंद नहीं हुए हैं, तब तक हमारे पास सुख नहीं हो सकता है। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं, उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। तो अभी ये जो गीत में सुना ना ले चल, तो ले चलने का है कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना। देखो थके है ना, हा? कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये, बहुत थके है। तो अगर थके हो और चाहते हो कि हम सुख शांति की दुनिया अथवा सुख शांति में रहे, तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको, मेरे को उसमें मदद करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म के भ्रष्ट होने के कारण ही तो दुख शांति हुआ है ना। तो अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो फिर अपने कर्मों को बदलाओ अभी। तो अभी उसमें फिर हाँ वो पुरुषार्थ करने का है ना, और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके,
ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को पांच विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णो रखना है तो विकारों से वैष्णो रखने का है। वो कई वैष्णो रहते हैं ना, वो समझते हैं हम वैष्णो कुल के हैं, वो समझते हमारा कोई को कपड़ा न छुए, हम किसी ऐसा न हो, या कोई समझते हैं कि हाँ हम खान पान के वैष्णो है, परंतु वो तो ठीक, परंतु साथ जब तक विकारों का वैष्णोपन अर्थात विकारों को आत्मा छुए नहीं, ऐसा अपना परहेज रखने की, तो वो परहेजी हमको जो है ना वो ऊंचा उठाएंगे। इसीलिए अपना अभी पुरुषार्थ है विकारों से वैष्णो अथवा विकारों का व्रत, वो जो व्रत भी रखते है ना, तो हमको सच सच व्रत किसका रखने का है, विकारों का। ये पांच ही विकार है जिसी से ही हम दुख उठाते हैं। इसीलिए अभी विकारों का व्रत, विकारों से वैष्णो, क्योंकि आत्मा को विकारों ने ही मैला बनाया है, तो वो मैल जो चरी है वो विकारों की चरी है नहीं, बाकी और कोई चीज की मैल थोड़ी है, ये विकारों की। तो अभी हमको स्वच्छ भी होना है तो इस मैल को निकालना है। अभी उसी मैल के निकालने के लिए ये ज्ञान और योग है, उसको गंगा नहाने से या पानी में नहाने से कोई मैल वो विकारों की नहीं धोई जा सकती है, उसको धोने के लिए तो फिर हमको ज्ञान और योग का बल चाहिए। इसीलिए बैठ कर करके अभी ये ज्ञान और योग, योग का मतलब ही है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। योग का मतलब ये नहीं है कि आसन लगाना या कोई किसी मूर्ति का बैठ कर करके ध्यान करने का है, नहीं, ये है हमको चलते फिरते खाते पीते उस परम पिता परमात्मा की याद रखनी, परंतु वो भी याद तभी हो सकेगी जब पहले पहले उनका परिचय होना चाहिए। पहली तो बात ये समझने की कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा कहीं जो समझते हैं कि सभी जो रूप है वो परमात्मा के हैं, परंतु नहीं, परमात्मा जिसको निराकार कहा जाता है उस निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए कि निराकार परमात्मा कौन सी चीज है। तो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है, वो तो हमारी पास इस भारत में उसकी प्रतिमा की भी मान्यता है जिसको शिवलिंग कहा जाता है, पर तो कहीं इस शिवलिंग के प्रतिमा का भी अर्थ नहीं समझते हैं, वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है, वो जो आकार का भी देखते हैं ना, वो जटाएं बटाएं सांप आम परा हुआ होता है मूर्ति दिखलाती हैं, परंतु वास्तव का करके परमात्मा जिसको कहा जाता है वो उस निराकार को जो शिवलिंग की प्रतिमा है। आप लोगों ने देखा होगा वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखलाती है, यहाँ कई मूर्तियों में ऐसा भी है कि सभी देवताएं जो है ना वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं, उसमें कृष्ण राम आदि सब ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवताएं आ जाती हैं जो शिवलिंग की बैठ कर करके मान्यता करती हैं। तो उसे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के भी ऊपर वो निराकार परम पिता परमात्मा है जिसकी का मान्यता देवताएं भी करती है। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है वो सब का पिता, देवताओं का भी पिता उसी निराकार परमात्मा को कहेंगे। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है असल में ये यादगार है उसी निराकार परमात्मा की। तो निराकार परमात्मा जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप, परंतु वो लिंगाकारी को या स्टार लाइट बिंदिया है तो एकदम छोटी थी, तो ये सभी चीजें समझने की कि उसी निराकार परम पिता परमात्मा जो हम आत्मा भी वैसे निराकार हैं, आत्मा को भी तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है ना, ये तो शरीर है जो इस आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है, तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है, कहीं ऐसे समझते हैं कि उसका कोई शेप कोई आकार कुछ है ही नहीं उनका, परंतु नहीं, निराकार का मतलब ही है कि हाँ ये मनुष्य जैसा उसका शेप या शक्ल नहीं है, बाकी उनका अपना आकार अथवा ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो है तो जरूर ना, ऐसे बिना आकार या बिना कोई यहाँ रूप के कोई चीज है ही नहीं। ये जो आवाज है ना बोलते हैं तो इसका भी रूप है, अगर इसका रूप नहीं होता ना तो लंदन में बोलते हैं गीत गाते हैं हम रेडियो के जरिए, यहाँ जो सुनते हैं तो नहीं तो सुन नहीं सके, तो उनका भी रूप है जिसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं,
तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं, वहाँ बोलते हैं वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज का भी तो रूप है ना, पर तो आवाज का इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम बोल रहे हैं ये क्या चीज आवाज है जो आपके कानों तक आ रहा है, आप देखते हो उस आंखों से, तो इस आंखों से तो इस दुनिया की भी कई चीजें नहीं देखी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है उसका कोई रूप ही नहीं है, रूप है लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है। परंतु हाँ वो परमात्मा तो और ही सूक्ष्म चीज है ना, इसीलिए इस आंखों से भले नहीं देखी जाती है, दिव्य दृष्टि से देख भी सकती है, परंतु वो दिव्य दृष्टि से देखा ना, परंतु उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें समझने के जिसको परमात्मा कहा जाता है निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी पूजी भी जाती है, परंतु कहीं इस बात को जानते नहीं है कि ये किसकी मान्यता है। वो राम राम का रामेश्वर का भी चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ कर करके उनका पूजन कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके भी ऊपर कोई है ना। तो ये है वो अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। तो अभी ये समझना है तो उनको भी यथारथ रीत से समझ करके उसके साथ भी हमारा कौन सा रिलेशन है। जैसे हर एक देखो हम लौकिक रीति से, लौकिक का मतलब है जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो हाँ उनका अपने बच्चे कहकर करके उनको पिता कहते हैं, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है। तो ये भी समझने की बात है कि आत्मा का जो पिता है वो उसी परम पिता परमात्मा को कहेंगे। इसी हिसाब से हर एक के दो बाप हैं, एक शरीर का पिता जिसको हर एक ने अपने अपने पिता से जन्म लिया है, और दूसरा है आत्मा का पिता। तो अभी उसी पिता से भी रिलेशन होना चाहिए, जिसी से ही हमारे सदा सुख के प्राप्ति का कनेक्शन है। तो अभी उसी बाप से कैसे रिलेशन, तो रिलेशन कहो या कनेक्शन कहो या योग कहो, बात एक ही है। परंतु वो योग कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं है, उसको याद रखने का है। इसीलिए हम योग अक्षर को निकाल कर करके अगर याद अक्षर कहें तो और अच्छा सिंपल है, नहीं तो योग से कहीं समझते हैं तो योग शायद कोई आसन लगाना है या कोई ऐसा हठ योग या प्राणायाम या कहीं ऐसी बातें, क्योंकि योग आश्रम और बहुत योग के नाम पर बहुत स्कूल और ये सभी चीजें खोली हुई है ना, इसीलिए कहीं समझते हैं तो योग शायद कोई ऐसी बड़ी चीज है। परंतु वास्तव करके योग का मीनिंग है याद, और याद का मतलब ही है जैसे यार देखो कॉमन भी किसी का किसी प्रति लगन होती है, प्रेम होता है, तो देखो वो याद आती है नी चीज, तो ये हमको उसको याद रखने का है। चलते फिरते खाते पीते वास्तव करके योग इतनी ही चीज है, याद के लिए क्या बैठ करके कोई आसन थोड़ी, किसको याद रखना होता है तो आसन लगा के बैठना थोड़ी होता है, या कोई याद के लिए कोई हठ योग या कोई प्राण नहीं। याद जिसकी होती है जिसके तरफ लगन होती है, काम भी करो लेकिन उसकी लगन उधर चली जाएगी। तो ये है उसको याद रखने की बात, परंतु वो याद आवे कैसी, ऐसी लगन बैठे कैसे, उसके लिए इन बातों को समझना है कि उनका और मेरा क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को जब समझेंगे, उसके रिलेशन को समझेंगे और उससे वो बैठेगा कि वो हमारे को क्या देने वाला है, उससे हमें क्या प्राप्त करना है, तो फिर हाँ उनके तरफ हमारी लगन बढ़ेगी और उसी आधार पर उस चीज की याद रहेंगी। तो ये सभी चीजों को समझना है, और उसी याद रखने का भी क्या कारण है, क्यों हम उसको याद रखते हैं, उसका भी फरमान है। गीता में भी कहा है नी मन मना भव निरंतर मुझे याद करो, उसने भी कहा है स्वयं परमात्मा ने कि मुझे याद करो। क्यों कहा है कि मुझे याद करो, क्योंकि मुझे याद करने से तुमको वो शक्ति मिलेगी, वो बल मिलेगा, जो तुम्हारे पर पापों का बोझ है वो तुम्हारे पाप दगद होंगे। ये गीता के भी वर्षन हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप दगद होंगे अर्थात नाश होंगे। तो पापों को नाश करने के लिए उसको याद रखने का है। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि अभी ये एक तो मुझे जानो समझो मेरा परिचय मैं क्या हूँ, और फिर मुझे याद रखो, तो उससे तुम्हारे पाप भी नाश होंगे और तुम अपने कर्मों में श्रेष्ठ भी रहेंगे, दूसरा पर पवित्र भी रहो। इसीलिए है कि बी होली एंड बी योगी, अर्थात अपने को पवित्र भी रखो। पवित्र का मतलब ही है पांच विकारों से कोई कर्म मत करो, तो उनको कहेंगे बी होली एंड बी योगी, तो मुझे याद करो। तो उससे क्या होगा कि याद करने से जो पहले किए हुए विकर्म है अर्थात पाप का बोझा है वो भी तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि हमारे जीवन में दो कर्मों का चलता है, एक जो किया है
वो पाते हैं, दूसरा फिर बनाते भी जाते हैं जो पाना है। इसीलिए एक कर्म किया हुआ नतीजे में आ रहा है, दूसरा नतीजा बना रहे हैं। तो हमको दोनों तरफ को संभालना है, जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हम पाप कर्म करते ही आए हैं, तो वो भी तो हमारे सिर पर बोझ है ना। अभी दूसरा फिर हमको कर्म अपने स्वच्छ बनाने हैं, जिससे हमारे कोई कर्म ऐसे न बने जो हमारा कोई कर्म का खाता उल्टा जमा हो जाए, इसीलिए उसमें भी हमको खबरदार रहने का है। तो एक है प्लस, हाँ दूसरी है माइनस, समझा ना। तो मैथमेटिक्स का हिसाब होते है ना, तो एक है कर्म खाता जो हमको माइनस करना है, काटना है, अर्थात हमारे जो जोड़ा है वो उल्टा जोड़ा है। अभी दूसरा जो जोड़ते जा रहे हैं उसमें संभालना है कि हमारा कोई बुरा खाता न जुटे। तो एक प्लस को संभालना है और एक माइनस करना है। तो अभी माइनस वो कैसे होवे, वो होगा भी योगी याद करने से, वो हमारा पिछला जो पापों का खाता है वो माइनस होगा, और बी होली यानी पवित्र रहने से फिर हमारा खाता जो है वो बुरा न बनेगा, क्योंकि विकारों के संग से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, इसी से हमारा नतीजा ये होगा कि हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे। तो इसीलिए परमात्मा का फरमान है कि अपने को अपने कर्मों को अच्छी तरह से समझ कर करके, ये कर्म की फिलॉसफी कहो या कर्म की थ्योरी, कि तुम्हारे कर्म का खाता कैसा चलता है, उसको कैसे बनाओ, उसको ठीक रीति से बनाने के ज्ञान को समझो। तो अभी ये बैठ कर करके शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे बनते तो रहते ही हैं, एक भोगते रहते हो दूसरा बनाते रहते हो, तो क्यों नहीं तुम अपना कर्म को स्वच्छ बनाओ, जिसके आधार से तुम सदा सुख को प्राप्त करो। तो वो कैसे करो और किस तरीके से करो, उसका बैठ कर करके ये डिटेल्स समझाते हैं, जिसको फिर लेकर करके अपने को स्वच्छ रखने का है। तो ये सभी है चीजें जिसको बहुत अच्छी तरह से समझने का है, क्योंकि यहाँ कोई ये कामन सत्संग या कामन कोई चीज नहीं है, बस आया दो वचन सुना या कोई दर्शन करना है या कोई देखने की चीज है, या कोई दर्शन वर्शन की बात नहीं है। यहाँ तो है ये कॉलेज अथवा स्कूल, जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं बच्चे तो पढ़ने जाएंगे ना, तब तो उस डिग्री को लेंगे, बाकी ऐसे नहीं है टीचर को देखने जाएंगे या दर्शन करने जाएंगे या देखेंगे, देखने से कोई या डॉक्टर को देखने से कोई डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा। तो नहीं, पढ़ना होता है, नॉलेज को समझ कर करके उस डिग्री को तभी प्राप्त करेंगे। तो ये भी पढ़ाई है, ये भी समझने की बात है, बाकी खाली देखने से तो कुछ है, देखने के लिए तो भगवान भी सामने हो जाए ना। तो भगवान में देखो, अर्जुन के सामने भगवान था ना गीता में, हाँ गीता का जो ये बनाया हुआ है, तो उसके देखो अर्जुन के सामने भगवान था, लेकिन सामने होते भी फिर उसको ज्ञान देना पड़ा ना, भगवान को भी डायरेक्ट ज्ञान देना पड़ा, समझाना पड़ा, तब तो देखो सर्वशास्त्र श्रोमणि गीता, वो शास्त्र गीता जो बनी है वो वर्षंस की बनी है ना, तो भगवान को भी वर्षंस बोलना पड़ा ना, समझाना पड़ा, बाकी ऐसे नहीं अपने दर्शन से कहा तेरा बेरा पार है, नहीं, वो तो सारा सामने खड़ा था, खड़ा होते भी फिर भी उसको ज्ञान देना पड़ा ना। तो ज्ञान बिना गत नहीं है, ऐसे नहीं कहा जाता है दर्शन बिना गत नहीं है, ज्ञान बिना, तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान का मतलब ये समझ। तो ये बातें समझने की हैं और समझ कर करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बात है। तो वो प्रैक्टिकल में कैसे लाएं और प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, ये सभी सिखाया जाता है। यहाँ परिवार के परिवार हैं, ऐसे नहीं है कि बस नहीं परिकुटम के कुटुम्ब है, फैमिलीज के फैमिलीज हैं, जो अपना स्त्री पति बाल बच्चे सब अपनी जीवन को घर गृहस्थ में रह कर करके, और कैसे अपने गृहस्थ को आश्रम अथवा गृहस्थ को धर्म कहा भी जाता है ना, गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम, लेकिन अभी आश्रम कहाँ है अभी धर्म कहाँ है, अभी तो अगर गृहस्थ को कहा जाए ना अधर्म तो कह सकते हैं, क्योंकि विकारों का है ना। तो ये चीजें समझने की कि हमारी जो प्राचीन गृहस्थ आश्रम की प्रवृत्ति थी वो कैसे बने, उसी चीज को बनाया जाता है। तो उसके लिए ये सभी बातें समझने की है और समझ कर करके प्रैक्टिकल उसी चीज को कैसे लाना है लाइफ में, वो लाइफ बनाने की बातें हैं। बाकी यहाँ कोई कॉमन तरह से आया दो वचन सुना या कुछ देखा, उससे कोई लाभ की बात इसी तरीके से नहीं है। ये है स्कूल, इसको इसीलिए इसको नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, देखो बाहर बोर्ड पर भी है ना, तो ये विद्यालय है, परंतु किसका, ईश्वर का, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमको पढ़ाने वाला वो निराकार है,
जो बैठ कर करके पढ़ाता है और नॉलेज देता है कि कैसे हम अपने कर्म को, क्योंकि कर्म के गति को सवाय परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता है। मनुष्य तो सभी कर्म के चक्कर में है ना, वो तो सभी कर्म के भोग में है, इसीलिए जो कर्म अकर्म विकर्म से अलग है ना, वही तो समझा सकेगा लेकिन कर्म की गति क्या है। बाकी तो मनुष्य सभी कर्म के गति के चक्कर में है, इसीलिए जो चक्कर में है वो नहीं समझा सकेंगे, जो चक्कर से बाहर है वही तो समझा सकेगा ना। तो इसीलिए वो बाप जो कर्म के गति से बाहर है वो कभी न दुर्गति में आता है न उनको सदगति चाहिए, वो तो सदगति और दुर्गति से अलग है। बाकी हम मनुष्य दुर्गति में भी आए हैं, देखो पाप की दुनिया, तो देखो हम पाप में आ गए है ना। अभी हम कोई फिर पुण्य आत्मा बन कर करके और सदगति को प्राप्त करना है, तो सदगति क्या है वो भी तो समझना है ना। तो ये सभी चीजें को समझना है कि सदगति भी जीवन में है, ऐसे नहीं जीवन से बाहर है। जैसे कहीं समझते हैं ज्योति ज्योत समाना है या कहां हमको जाकर करके बैठ जाना है, नहीं दुनिया यही है, इधर ही आना है, परंतु वो दुनिया सदगति की थी, अभी ये दुनिया है दुर्गति की। इसीलिए गीतों में भी देखो आते ना, अभी ले चल, अर्थात हमको अभी उसी दुनिया में अथवा उस दुनिया को अभी ले आ, जिस दुनिया में हम सदा सुखी थे। तो दुनिया की सुख की भी दुनिया है, ऐसे नहीं है कि सुख कोई ज्योति ज्योत समाने में है, नहीं सुख की भी दुनिया थी, जैसे दुख की दुनिया है। तो हमारे जीवन में हमको सुख था और सुख ऐसा था जिसमें कभी कोई दुख नहीं था, जिसको ये कहते हैं कि एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। क्योंकि कहीं बेचारे ये भी नहीं समझते हैं कि सुख हमको हो भी कैसे सकता है, सुख और दुख का भी अर्थ समझना चाहिए, हमको दुख क्यों है जीवन में। आज हमारे जीवन में अगर रोग नहीं होता, हमारे संसार में अकाले मृत्यु नहीं होता, निर्धनता नहीं होती, ये लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर तो संसार अच्छा है ना। ये लड़ाई झगड़े की बातें न होती, न सब कुछ ये सब हंगामे होते और न हमारे पास अकाले मृत्यु आता, हम अपने टाइम पर शरीर छोड़ते और शरीर लेते और कभी कोई रोग आदि होता ही नहीं, न ये डॉक्टर्स न हॉस्पिटल ये सब चीजें होती ही नहीं, और ये सभी निर्धनता आदि की बातें भी नहीं होती, सब अपने खाने पीने में अच्छे सुखी होते, सबको अपने सुख के साधन कंप्लीट पूरे होते, राजा प्रजा सब सुखी होते, फिर तो संसार अच्छा है ना, फिर तो नहीं कहते ना कि संसार में दुख है। तो दुख के कारण तो यही है ना। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि हम कारे संसार में दुख का कारण कौन सा है। दुख का कारण है ये रोग, अकाले मृत्यु, निर्धनता, लड़ाई झगड़े, ये सभी जितने भी दुख के कारण, अभी ये कैसे निकले। तो हमको है हमारे संसार से उन चीजों को निकालने का प्रयत्न सोचना। बाकी ऐसे नहीं है कि संसार से हम चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में सदा ही ये चीजें हैं, नहीं, ये रोग आदि अकाले मृत्यु ये सब पीछे आया है, नहीं तो हम कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी हमारे पास रोग आदि नहीं होता था, कभी ये निर्धनता, धन नहीं, खाने पीने के लिए मनुष्य मोहताज, ये सभी बातें थी नहीं, हमारी प्रकृति पूरी दासी थी हमको सब सुख के, कभी ये अर्थक्वेक्स नहीं होती थी, कभी ये फ्लड्स नहीं होता था, ये सभी बातें होती नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ होता है। मनुष्य को हर चीज से अभी दुख हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि मनुष्य कर्म भ्रष्ट है ना। तो हमको समझना चाहिए तो हमारे दुख के कारण कौन से हैं, तो ये भी चीजें समझने नहीं, बाकी ऐसे नहीं खाली दुख सुख, पर तो समझना चाहिए दुख होता ही क्यों है और किस कारणों से दुख है। तो दुख है इसी कारण से, अगर ये चीजें हमारी दुनिया में नहीं होती, हम अपने मरने जीने में भी समर्थ होते, जैसे सांप होता है ना, एक खाल उतारता है दूसरी खाल लेता है, जैसे टाइम पर हम कपड़े पुराने उतारते हैं नए पहनते हैं, तो हमारे शरीर उतारने पहने का हमारे में बल था, बाल युवा वृद्ध जब स्टेज पूरी होती थी तो हम टाइम पर अपने शरीर को अपने आप छोड़ते थे और नया शरीर लेते थे, लेकिन आज नहीं है, अभी बैठे है, हाँ अभी अभी मर गया, हाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाते, कई ये सभी अकाले मृत्यु होते ही है ना। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा जीवन है तुम्हारे पास, लेकिन जीवन के सुख के साधन तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अपने कर्मों से वो साधन को भ्रष्ट बना दिया है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी अपने कर्म को श्रेष्ठ करो तो फिर तुम्हारे जीवन में सदा सुख रहेंगे। तो वो कैसे रहे उसका बेहतर करके तरीका समझा। तो अभी इसी बातों को तो प्रैक्टिकल समझना है और प्रैक्टिकल उसके प्रैक्टिस में आकर करके अभी उसका क्या उपाय करना है
वो सभी बातें समझ करके अपने जीवन में लाने हैं। तो ये तो अभी थोड़े टाइम में, क्योंकि कभी कभी नए आते हैं ना, तो थोड़ा डिटेल्स ऐसी ऐसी बातें समझानी पड़ती है, फिर उन्हों को पता होना चाहिए कि लाइफ की एम क्या है। परंतु उसके लिए फिर भी कहेंगे कुछ टाइम दे करके आकर के सुनेंगे समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ सके। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस, सभी टाइम।